नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फंक्शन में हिंदी में। दोस्तों इस चैनल पर विविध जानकारियाँ लाते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। तो जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो वीडियो है वो है फिर से मासिक धर्म संबंधी बात के बारे में, यानी कि मासिक धर्म में आप कैसे व्रत का पालन करें। इस पर पहले वीडियो बन चुकी है और उसके बाद दो और वीडियो मैंने बताई थी कि आपके मन में जो उलझन होती है कि कैसे व्रत करें, कितने दिन बाद करें, व्रत करने के नियम क्या हैं, और मासिक धर्म में कौन सा व्रत करना है, कौन सा नहीं करना है, ऐसे कई सारे सवाल आए थे और उन पर उन्हें सुलझाने की कोशिश की गई थी। तो आज जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा गया है सारे वीडियोज में, कमेंट्स में आया है, वो यही है कि कितने दिन बाद हम पूजा में शामिल हो सकते हैं, कितने दिन बाद हम पूजा कर सकते हैं, या कितने दिन बाद हम हवन जैसी चीज़ों में बैठ सकते हैं, और कौन सी देवता की पूजा करनी है, कौन सी की नहीं करनी है, किसकी कितने दिन में करनी है। ये सभी सवाल हैं और इन सभी सवालों का एक जवाब लेकर ये वीडियो बनाई गई है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, और लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसी और वीडियो बना सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें, और हम इस चैनल पर हेल्थ के संबंधी वीडियो भी लाते हैं, वीडियो ब्यूटी के संबंध में भी वीडियो लाते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आपके लाइक और कमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं हमें दिशा देने के लिए, तो कमेंट्स करना ना भूलें। आप बेहिचक होकर अच्छा है बुरा है, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, या क्या जानना है, उन पर कमेंट्स जरूर किए करना। और तो चलिए हम इस सवाल का जवाब देते हैं, कोशिश करते हैं, आशा है आपको समझ में आ जाएगा। तो मासिक धर्म हर महिला को होता है और उन दिनों में पूजन पाठ व्रत ये सब वर्जित कर दिए जाते हैं। पुरानी परंपरा है, चली आ रही है, पर ये नहीं पता है कि कौन से नियम मानने हैं, कौन से नहीं मानने हैं, कितने दिन में पूजा करनी है, किस देवता की करनी है, कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी पूजन हो, पाठ हो, व्रत हो, कुछ भी हो, आप उसमें क्या पूजन सामग्री इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो उस पूजन सामग्री को आप चुन चुन के देखते हैं। जैसे हवन सामग्री तो आप देखते हैं कोई कीड़ा मकोड़ा ना हो, जैसे बेलपत्री चढ़ानी है तो आप देखते हैं खंडित ना हो, कोई मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो उसको देखते हैं खंडित ना हो, ऐसे बहुत सारे नियम हैं उनको आप मानते हैं। तो मासिक धर्म भी एक इसी की एक अवस्था है। पहले आप समझ लीजिए कि महिलाओं को मासिक धर्म में व्रत की मनाही क्यों कर दी गई, यानी पुराने टाइम से ऐसा है कि यदि आप मासिक धर्म में हैं तो आप व्रत नहीं कर सकते हैं। उसका कारण ये था कि जो पुराना समय था उस समय जो रजस्वला होती थी स्त्री, तो वैसे में उसे एक अलग कमरे में रख दिया जाता था या अलग स्थान दे दिया जाता था कि वो उसी जगह पर रहे, क्योंकि उस टाइम पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था। जैसे आप आजकल के ज़माने में पैड है, टेम्पोन है, मेंस्ट्रुअल कप है, जो भी यूज़ करते हैं, बहुत से लोग कपड़ा यूज़ करते हैं, तो वो सब चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में महिला का जब ये समय आता था तो अन्य पुरुषों को भी पता चल जाता था, और महिलाओं की लाज वो तो सबसे बड़ा विषय है और अभी तक है, तो बस यही चल रहा था। इसीलिए उनको ऐसे सामूहिक कार्यक्रम में उन्हें वर्जित कर दिया, धीरे धीरे घरेलू तौर पर भी उन्हें वर्जित कर दिया, क्योंकि घर में भी पुरुष बालक होते ही हैं, तो इसलिए उनको वर्जित कर दिया गया, वो एक कारण है। अब बात करते हैं कि महिलाओं को कितने दिन बाद व्रत कर लेना चाहिए। तो इस विषय में यही कहना है कि जब भी आपका होता है, जितने भी दिन का होता है, जैसे यदि किसी का 3 दिन चलता है, किसी का 4 दिन चलता है, किसी का 5 दिन चलता है, हर महिला का अलग अलग होता है। वैसे में आप में एक नियम नहीं बना सकते हैं कि आपको 4 दिन के बाद व्रत कर लेना चाहिए या 5 दिन के बाद कर लेना चाहिए, किसी को 5 या 6 काफ़ी सारे दिन चलता रहता है। तो इसका जवाब यही है कि आपका जब भी मासिक चक्र चलता है। पहली बात यह है कि इस पर पहले एक क्वेश्चन आया था कि ये मासिक धर्म में पूजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये तो आपकी ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी व्रत आप करते हैं, पूजन करते हैं, उसमें 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहले आप तन से शुद्ध हों, दूसरा है मन से शुद्ध हों, और तीसरा विचार से शुद्ध हों।
तभी आपका व्रत पूजन सफल होता है। तो यदि आप तन से शुद्ध नहीं है तो आप और आप मन में उलझन है कि करें नहीं करें, तो ऐसे में ना करना बेहतर है। बाकी आपकी इच्छा है, आपके अपने नियम है, इस पर किसी की लिखित किताब या नियम तो नहीं है। हाँ, तो बात ये हो रही थी कि कितने दिन बाद करना चाहिए, तो करने के लिए आप जब भी शुद्ध हो जाते हैं जिस दिन भी शुद्ध हो जाते हैं उसको 24 घंटे बाद, चाहे आपका तीसरा दिन हो, चौथा दिन हो, पांचवा दिन हो, छठवा दिन, जो भी, आप पूजन कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। तो ये जानकारी थी इस क्वेश्चन की, और ऐसे ही और क्वेश्चन यदि आपके मन में हैं और आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स जरूर कीजिए, बताइए। इसके साथ साथ आपको यदि सेहत संबंधी कोई जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट्स में बताइए, और लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को कम से कम 50 लाइक्स तो मिलने चाहिए। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए तो आप शेयर कर देना, और भी महिलाओं की हेल्प होगी, और उनके मन में यदि कोई उलझन होगी तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं। तो बस इतना ही थी ये वीडियो में। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी और वीडियो बने तो कमेंट जरूर कीजिए। तक के लिए।